दोस्तों आज की वीडियो में एक बिगेस्ट क्रिप्टो एयरड्रॉप शेयर करने वाला हूं, जिसमें आप लोग $500 से लेकर के $1000 या फिर इससे ज़्यादा भी आप लोग प्रॉफिट बना सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना, क्या उसका प्रोसेस, कौन सा एयरड्रॉप है, वो आपको सब कुछ मैं बताऊंगा। वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखते जाइएगा। और हाल ही में जो एयरड्रॉप आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं ना, इस एयरड्रॉप से काफ़ी लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट भी बनाया है और इन फ्यूचर इससे एयरड्रॉप अच्छा खासा मिल सकता है। मतलब जो एयरड्रॉप अभी मैं शेयर कर रहा हूं ना भाई, इसके अलावा दूसरे जो प्रोजेक्ट हैं इनके साथ कोलैबोरेट करके या फिर पार्टनरशिप करके उन लोगों ने यहाँ पे एयरड्रॉप करा है। बाकी जो एयरड्रॉप अभी शेयर कर रहा हूं उसने खुद अभी एयरड्रॉप नहीं करा है। इन फ्यूचर में आप लोग को एयरड्रॉप उनकी तरफ से मिलेगा। बाकी मेरे पास कुछ प्रूफ आए हैं जो कि आप लोग को मैं दिखाऊं। एक भाई ने यहाँ पे $7 अर्न करा था, जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रूफ के तौर पर। और यहाँ पे मतलब एक भाई ने यहाँ पे बोल गया मुझे $45 तक यहाँ पे अर्निंग हो चुका है इस एयरड्रॉप से, ठीक है। बाकी वो तो छोटा मोटा प्रूफ था, बड़े बड़े जो प्रूफ है मतलब शेयर ही नहीं करा मैंने, तो मतलब वो अदर कम्युनिटी से लोग यहाँ पे मैंने मुझे बताए थे। और एक प्रोजेक्ट जो था यहाँ पे डेगन नाम से, इन्होंने यहाँ पे खुद एयरड्रॉप करा था। जो लोग इनके यूजर थे, जो भी एयरड्रॉप शेयर कर रहा हूँ, जो कि फारकास्टर उसका नाम है भाई, ठीक है। और इसका मतलब भाई इनका खुद का टोकन अभी नहीं आया, लेकिन ये मतलब जो फारकास्टर जुड़े थे या फिर ज्वाइन कर रहे थे उनकी तरफ से। और यहाँ पे ये खुद यहाँ पे बोले हैं कि एवरीथिंग स्टार्टेड एट इस के हिसाब से, ठीक है। और इसके अलावा भी यहाँ पे 1 मिलियन का जो है यहाँ पे PH एयरड्रॉप मतलब अनाउंसमेंट हुआ है या फिर मतलब लोगों को मिला है, जो कि यहाँ पे फेवर नाम से यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है, उन्होंने यहाँ पे मतलब एयरड्रॉप दिया है। जो लोग जो अभी एयरड्रॉप शेयर किया था ना, उस एयरड्रॉप में जो लोग ज्वाइन किए थे उनके यूजर को, मतलब जो फारकास्टर है ना, उस फारकास्टर में जो लोग ज्वाइन किए थे, पार्टिसिपेट करे थे, उनके वो लोग जो यूजर थे उनको ये सभी एयरड्रॉप दिए हैं, ठीक है भाई। इनका खुद का भी मतलब एयरड्रॉप वो तो अलग बात है, बट जो इनके यूजर थे उनको ये लोग एयरड्रॉप करें हैं। तो भाई सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है और अच्छा प्रॉफिट हो। बाकी जो हमारा एयरड्रॉप होने वाला है, जिसके बारे में अपन बात करने वाले हैं, उसका नाम है फारकास्टर, ठीक है। एक अच्छा प्रोजेक्ट है और अच्छे खासे फैन फॉलोइंग भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कम्युनिटी में। देखिए आप कौन कौन फॉलो कर रहा है वो भी आप लोग को मैं अगर दिखाऊँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मैं अगर नीचे से दिखाऊँ तो यहाँ पे सैंड बॉक्स हो गया, क्वाइन मार्केट कैफ हो गया, और ऑर्बिटर फाइनेंस हो गया, उसके बाद फिर ऊपर आए थे ट्रस्ट वॉलेट देख सकते हैं, उसके ओपन सिया हो गया, फेवर प्रोटोकॉल हो गया, सिंपल वॉलेट है ये फॉलो कर रहा है, और फेवर मतलब ये तो मांट्रा जो है वो फॉलो कर रहा है, रूबिक ये फॉलो कर रहा है, सुइया, फिर यहाँ पे लेयर 3 जो है टैलेंट प्रोटोकॉल है, सेकंड लाइव है, OKX वॉलेट है, सिंस है। मतलब भाई बहुत ही बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं, उनके साथ में पार्टनर है, ठीक है। और बेस जो है ब्लॉकचेन भी कर रहा है, ठीक है। और साथ ही इन्होंने अच्छी खासी फंडिंग भी रेस किया है, वो भी आप लोगों को मैं दिखा, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं टोटल $180 मिलियन का इन्होंने फंडिंग किया है। और यहाँ पे जो यहाँ पे दो मतलब फेस में ये लोग जो है कि अपना मतलब फंडिंग यहाँ पे राइज कर रहे हैं, और पहले राउंड में यहाँ पे $150 मिलियन का फंडिंग रेस किया। और सबसे बड़ा नाम आप लोग जानते होंगे पैराडियम भाई, पैराडियम, बाइनांस, OKX वेंचर, और ये सभी मतलब एक ऐसे मतलब इन्वेस्टर है ना, जिस प्रोजेक्ट में पैसा डाल दिए भाई तो उस प्रोजेक्ट को वुम करना ही करना है। और उससे भाई वो लोग मतलब देखिए कोई भी प्रोजेक्ट मतलब कि इन्वेस्टर पैसा डालता है किसी प्रोजेक्ट में किस लिए भाई, अगर $50 अगर डाला है तो उससे सोचेगा कि हम यहाँ पे $200-$300 यहाँ पे बनाएं या फिर $1000 उससे प्रॉफिट बनाएं। तो अगर भाई यहाँ पे $150 मिलियन का इन्होंने फंडिंग यहाँ पे इधर रेच हुआ है, तो भाई इससे तो कई गुना यहाँ पे प्रॉफिट बनाना चाहेगा। तो इस टाइप से इन्वेस्टर अगर फंड डालते हैं तो भाई बहुत ही बड़ा इन्वेस्टर ये है पैराडियम। और इसके अलावा यहाँ पे सीरीज बी में यहाँ पे $30 मिलियन का फंडिंग इन्होंने जो है फारकास्टर इन्होंने यहाँ पे राइज कराया, ठीक है। तो अभी बात करते हैं कि एयरड्रॉप ज्वाइन करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे ज्वाइन करना, वो आप लोग को मैं डिटेल में बताता हूँ। अब सबसे पहले आप लोग को ज्वाइन करने के लिए आप लोग को स्पेशल लिंक दे दूंगा, लिंक ओपन करिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डालने के लिए बोल रहा है और सेंड इनवाइट का जहाँ पे उससे मिल रहा है इस पर आप लोग क्लिक करना। उसके बाद फिर यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जा रहे हैं, यहाँ पे एक स्टोर, यहाँ पे प्ले स्टोर, तो मैं प्ले स्टोर पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद फिर प्ले स्टोर पे चला जाएगा। अब यहाँ पे इनका जो एप्लीकेशन है ना वो आप लोग को स्टार्ट करना होगा। ऐप इंस्टॉल होने के बाद में सिंपल सा आप लोग को ओपन कर लेना है ऐप को। अब यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा, तो यहाँ पे क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे ना आप लोगों को की फ्रेशर्स मिल जाएगा, जैसे आप लोग को मिल जाता है मेटामास्क या फिर ट्रस्ट वॉलेट, जो हम डिसेंट्रलाइज वॉलेट क्रिएट करते हैं सेम वैसे। तो आप लोग को यहाँ पे जो की फ्रेशर्स मिलता है ना, इसको आप लोगों को टैप टू कॉपी करके या फिर कहीं अच्छे व्यवस्थित जगह पे आप लोग लिख लेना है, ताकि कभी बाद में जरूरत पड़े तो आप लोग ले सको, क्योंकि भाई ये एक बार खो जाता है दोबारा इसे रिकवर या फिर किसी तरीके से पा नहीं सकते। तो इसको आप लोग सुरक्षित जगह अच्छे से सेव कर लीजिए, जो कि आप लोग को पता हो, नहीं तो पड़ोसी पता भाई तो लूट लेकर चला जाएगा आपका फंड पूरा, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान देना, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नीचे बैकअप माई रिकवरी फ्रेस पे क्लिक कर, और यहाँ पे आप लोग को जो फिर सीट फ्रेस आप कॉपी किया था उसको यहाँ पे डालकर नीचे कंटिन्यू कर। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल आईडी अपना मांगा जाएगा, जो कि आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डालना होगा, उसके बाद फिर नीचे कंटिन्यू कर देना है। उसके बाद फिर आपके ईमेल पे इस टाइप से एक ईमेल आएगा, जो कि आप लोग को वेरीफाई ईमेल पे क्लिक करके आपको वेरीफाई करना होगा, जो मतलब किसी भी ब्राउज़र में आप लोग यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा।
और यहाँ पे आप लोग का जो ईमेल है वो वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद फिर आपका ऑर्डर रीडायरेक्ट हो जाएगा आप एप्लीकेशन में। यहाँ पे अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि $5 पर ईयर, तो यहाँ पे भाई आप लोगों को $5 से $10 बस सिर्फ यहाँ पे खर्च करना पड़ेगा और यहाँ पे इस एड्रॉप एंड के आप ज्वाइन हो जाओगे। बस आप लोग को जो टास्क वगैरह करना होगा टास्क करते जाएंगे, उस बेसिस पे आप लोग को जो भी टर्म कंडीशन होगा वो आप लोग को मैं बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए भाई, जो लोग पैसे आप कमा चुके हो एड्रॉप से तो आप लोग इन्वेस्टमेंट कर देना, क्योंकि भाई जो इन्वेस्टमेंट ये आप लोग का करोगे ना भाई, तो इससे आप कई गुना आप लोग प्रॉफिट बना सकते हो, बस आप ये समझो, ठीक है। तो आप लोग क्या करना, नीचे आपको क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देना होगा और आप लोग को ना यहाँ पे UPI के माध्यम से पेमेंट करना होगा, डॉलर के हिसाब से पेमेंट नहीं करना होगा। तो ये प्ले स्टोर पे चला जाएगा और प्ले स्टोर से आप लोग करना होगा। तो यहाँ पे जैसे कि इंटर UPI मुझे मांग रहा है, तो मैं यहाँ पे UPI अपना डाल करके ऐड करके UPI से मैं यहाँ पे पेमेंट करता हूँ। सो यहाँ पे मुझे ₹490 यहाँ पे आ रहा है पेमेंट करने के लिए, जो कि INR में मुझे पेमेंट करना पड़ रहा है, जो कि इंडिया से मैं हूँ। अगर आप दूसरे कंट्री से हैं तो अपने हिसाब से देख लेना जो भी होगा। और यहाँ पे एक कोड मेरे को अप्लाई हो रहा है, शायद मैं करता हूँ तो शायद कम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ₹470 होगा भाई, मैं 20% डिस्काउंट भी हो चुका। तो मैं यहाँ पे बाई नाउ पे क्लिक करके मैं पेमेंट कर लेता हूँ और उसके बाद फिर स्टेप से आ जाएगा यहाँ पे वन टाइम, यहाँ पे ज्वाइन कर लेता हूँ इसको भी। यहाँ पे शायद मुझे 94 कुछ पॉइंट मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ओके मैं कर लेता हूँ। अब यहाँ पे यूजर नेम डालने के लिए बोल रहा था, यहाँ पे यूजर नेम कुछ भी आप लोग डाल लीजिएगा। जैसे मैं अपना यूजर नेम डाल देता हूँ जो हमारा ट्विटर का है, ठीक है। तो इस टाइप से मैं यहाँ पे कंटिन्यू कर लेता हूँ। अब यहाँ पे नोटिफिकेशन अलाउ करने के लिए बोल रहा, तो नोटिफिकेशन आप अलाउ भी कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्किप कर लेता हूँ। उसके बाद फिर इसे शेयर कंटेंट के ऊपर करने के बोला, तो मैं इसको भी स्किप कर लेता हूँ। बाकी आप लोग की चॉइस, अगर आप लोग शेयर करना चाहते हो कर सकते हो। और यहाँ पे चूज इंटरेस्ट, मतलब आपको किस चीज़ में इंटरेस्ट है तो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। जो भी टेक्नोलॉजी में, यहाँ पे इथेरियम को सेलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे और जिसमें आप करना चाहते हो वो कर लेना, जिसमें नहीं करना है कोई दिक्कत नहीं। मैं यहाँ पे दोनों को यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे कंटिन्यू पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे पूछ रहा कि आपका नाम क्या है, तो कोई भी आप लोग यहाँ पे नाम डाल दीजिएगा। जैसे यहाँ पे मैं अपना नाम लेता हूँ, अपने चैनल का ही। और यहाँ पे अपने बारे में कुछ अपने बोल रहा है, मतलब यहाँ पे आप अपने बारे में कुछ यहाँ पे लिखिए। तो मैं IM इन्फ्लुएंसर यहाँ पे लिख देता हूँ, इन्फ्लुएंसर। और यहाँ पे आप लोग को फोटो भी अपलोड करना होगा, तो फोटो डाल लीजिए। उसके बाद फिर नीचे कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अब जैसा कि मेरा यहाँ पे अकाउंट क्रिएट हो चुका है सक्सेसफुली, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, सेम आप लोग जैसे ट्विटर यूज़ करते हो ना, सेम वैसे ही ये एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए ट्विटर और इसमें बस कुछ अंतर है। जैसे कि ट्विटर में क्या है भाई, वो Web2 प्रोजेक्ट है और ये Web3 प्रोजेक्ट है। Web3 मतलब कि भाई ब्लॉकचेन से मतलब कि कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक दूसरे को हम पेमेंट वगैरह कर सकते हैं, पेमेंट लेन देन कर सकते हैं। उसके बाद फिर अपना जो अकाउंट होगा वो भाई मतलब कि अनोनमस टाइप का रहेगा, मतलब कोई इस पर कंट्रोल नहीं कर सकता, वो अपना खुद मालकाना रहेगा, जिसे डिसेंट्रलाइज बोलते हैं ना। तो जो ट्विटर है वो सेंट्रलाइज है और ये डिसेंट्रलाइज है, ठीक है, फॉरकास्टर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। और भाई क्या है ना कि भाई बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है अभी समय में Web3 प्रोजेक्ट, जो भी आप देखो, ठीक है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की मतलब इतना भाई इस टाइप से देख ही रहो आप लोग, ठीक है। तो अभी समय में हम लोग को यहाँ पे परफॉर्म करना है एयरड्रॉप आने के लिए। अब क्या करना, क्या क्या टास्क आप लोग करना चाहिए, जो कि जिससे कि आप लोग एयरड्रॉप में इनके एलिजिबल हो पाओ और यहाँ पे आप लोग अदर प्रोजेक्ट से भी आप लोग प्रॉफिट बना पाओ। तो देखिए सबसे पहली बात, यहाँ पे आप लोग को ना डेली बेसिस पे मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा हफ्ते में कम से कम 3-4 दिन आप लोग यहाँ पे एक्टिव रहो। एक्टिव रहने का मीन्स मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग को पोस्ट वोस्ट करना, जैसे नीचे आप लोग पेंसिल के बटन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ भी आप लोग को लिखने के लिए आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं हाय गाइस यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इस हिसाब से आप लोग लिख करके आप लोग यहाँ पे ऊपर कास्ट कर सकते हैं, उसमें ट्वीट करने का होता है, इसमें कास्ट करने का। और यहाँ पे नो चैनल और यहाँ पे सब कुछ लिखा है, तो यहाँ पे मैं कास्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा जो पोस्ट है यानी कि मतलब कास्ट है वो यहाँ पे हो जाएगा। अब जैसा कि हमारा यहाँ पे कास्ट यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे अगर कोई लाइक करता है, उसके बाद फिर ये जो बीच में है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रीकास्ट इस पर बोला जाता है और क्वाट बोला जाता है। रीकास्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा रीकास्ट हो जाएगा। और इसी पे कोई क्लिक करके, जैसे कि हम लोग यहाँ पे रीट्वीट करते थे ना ट्विटर में, इसमें आपको रीकास्ट मिलेगा और ट्वीट मिल जाएगा इस टाइप से। और यहाँ पे कमेंट का भी ऑप्शन मिल जाएगा, कोई अगर कमेंट करेगा GM यहाँ पे मतलब मैं लिखता हूँ यहाँ पे कास्ट करता हूँ, तो हमारा यहाँ पे इस टाइप से कास्ट नाउ में क्लिक करूँगा तो यहाँ पे ये हमारा कमेंट हो जाएगा हमारे पोस्ट पे, ठीक है। तो इस टाइप से क्या करना है, अपने पोस्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा करके क्या है कि एंगेजमेंट लाना है, ठीक है। तो ये चीज़ काम रहना करना पड़ेगा। उसके बाद फिर यहाँ पे अपने प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को फॉलोअर आप लोग को बढ़ाना है। जैसे यहाँ पे फॉलोइंग देखेंगे तो भाई फॉलोइंग पहले ही 40-20-50 इस टाइप से हो जाएंगे, बट फॉलोअर आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का कोशिश करना। अब देखिए फॉलोअर बढ़ाने का सिंपल तरीका आप लोग को मैं बताऊँ, सेम अगर उसको उस ट्रिक को अच्छे से अप्लाई करेंगे तो आप सभी लोग के फॉलोअर अच्छे खासे यहाँ पे बढ़ जाएंगे। और मैं आप लोग को रिकमेंड करूँगा कि मिनिमम यहाँ पे 100 फॉलोअर कर लीजिएगा, मैक्सिमम 200
200-400 कर सकते हैं। जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतना ही आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे एयरड्रॉप इनका आते रहता है, तो उसमें बोलते हैं कि भाई आप लोग के पास में मिनिमम इतना फॉलोअर उतना फॉलोअर होना चाहिए, तभी आप लोग एयरड्रॉप क्लेम कर सकते हैं। तो आप लोग सबसे पहले क्या करेगा, मैं अपना प्रोफाइल लिंक आप लोग को दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप लोग सबसे पहले मुझे फॉलो कर लीजिएगा। जैसे आप लोग मुझे फॉलो करेंगे तो मैं क्या करूँगा, सभी लोग को फॉलो बैक दे दूंगा। इससे क्या होगा कि एक फॉलोअर तो मेरे तरफ से जाएगा, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर क्या होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जितने भी लोग हैं मतलब फॉलो कर लेते हैं, तो जो भी लोग फॉलो रहेंगे जितने भी फॉलोअर हमारे दिखेंगे, ठीक है, तो आप लोग क्या करेगा, सभी लोग एक दूसरे को यहीं से फॉलो बैक कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे 100 लोग अभी समय मेरे फॉलोअर में है, ठीक है, तो अगर कोई एक व्यक्ति ज्वाइन करेगा तो मतलब अलग से रहेगा, तो वो क्या करेगा, जो 100 लोग यहाँ पे फॉलो ऑलरेडी मुझे किए हैं ना, सभी लोग को वो लोग क्या करेंगे, सब लोग को फॉलो करेंगे, ठीक है। जो 100 लोग रहेंगे वो लोग ज्वाइन किए रहेंगे, जिनको फॉलो किया जाएगा वो लोग क्या करेंगे भाई, जो व्यक्ति आपको फॉलो कर रहा उसको आप लोग फॉलो बैक कर देना, ठीक है। तो एक दूसरे यहीं से आप लोग फॉलो बैक कर दोगे ना, तो सभी लोग का फॉलोवर अच्छा खासा हो जाएगा भाई, और इससे कोई दिक्कत नहीं है, सभी लोग का काम बन जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई पैसे वैसे कहीं यहाँ पे कहीं दौड़ने धूपने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो इस टाइप से आप लोग यहाँ पे फॉलोवर गेन कर लेना, और यहाँ पे कोशिश करना कि डेली यहाँ पे कुछ एक्टिव रहकर कुछ ना कुछ यहाँ पे मैसेज करते रहना, कुछ फोटो वीडियो जो भी डालना चाहते हो वो डाल सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मतलब इसको भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये करते रहना। अब नेक्स्ट नंबर पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल बजाना है, प्रोफाइल बजाने के बाद में सेटिंग का ऑप्शन मिल जाएगा, सेटिंग पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करना, वेरीफाइड यहाँ पे एड्रेस का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना। अब यहाँ पे वेरीफाइड एंड एड्रेस पे क्लिक करेगा, अब यहाँ पे ना आप लोग को एक वॉलेट कनेक्ट करना होगा, जो कि कोई भी वॉलेट अपना कनेक्ट कर सकते हैं, मेटामास्क का, मतलब मैं कहूँगा सेकेंडरी जो वॉलेट होगा, जैसे मतलब कि छोटे मोटे एड्रेस ज्वाइन करते हैं उससे आप लोग करेंगे और बेहतर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना, उसके बाद फिर पेज कोई ब्राउजर में ओपन हो जाएगा, उसके बाद फिर कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आप लोग क्लिक करिएगा। अब यहाँ पे वॉलेट सेलेक्ट करने का आएगा, तो कनेक्ट वॉलेट पे क्लिक करके अब यहाँ पे कोई भी वॉलेट आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिटगेट वॉलेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, हालांकि जो भी आपका वॉलेट होगा उसे आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे अप्रूव पे क्लिक करेगा, रिटर्न वेबसाइट पर मैं यहाँ पे दोबारा क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे नीचे आपको साइन मैसेज करने का आएगा, साइन मैसेज पे क्लिक करेगा, फिर से वही से रिक्वेस्ट आ जाएगा, आप लोग बिटगेट में जाकर के आप लोग यहाँ पे अप्रूव कर लीजिएगा, और यहाँ पे आप लोग का लिंक हो जाएगा, उसके बाद रिटर्न पे कर देंगे, यहाँ पे आप लोग का वेरीफाइड हो जाएगा एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो जाएगा। अब नेक्स्ट में आप लोग क्या करना है, यहाँ पे जो वार्प कुछ यहाँ पे लिखा है, इस पर आप लोग क्लिक करना। जैसे आप लोग ज्वाइन कर लेंगे ना, यहाँ पे आप लोग को 50 वार्प मिल जाएगा, जो हमारे रेफर लिंक से ज्वाइन करेंगे उन सभी लोगों को, ठीक है। अब किसी के और के रेफर लिंक से ज्वाइन करते हैं तो उसका पता नहीं भाई, लेकिन मेरा रेफर लिंक से ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पे 50 वार्प मिल जाएगा। और बाकी आप लोग यहाँ पे ज्वाइन करने के अलावा आप लोग अलग से बाई भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये क्वाइन जो होगा ना भाई, वो आप लोग को आगे चल के टोकन में कन्वर्ट हो सकता है, दूसरी बात जो भी यहाँ पे एक्टिविटी करेंगे उसमें भी कुछ आप लोग का खर्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाई वार्प पे आप लोग क्लिक करके आप लोग यहाँ पे बाई भी कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है ईमेल पे जाओ और यहाँ पे बाई करो। तो यहाँ पे जैसे मैं बाई 500 में करता हूँ, सिंपल से इस पर मैंने क्लिक करा, उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राउजर पे ओपन कर, अब यहाँ पे $5 वर्थ का यहाँ पे खर्च जाने वाला है, तो मैं यहाँ पे बाई कर लेता हूँ, बाकी आप लोग को बाई करना ना करना वो अपना अलग बात है। सो यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा, यहाँ पे बोला जा रहा है कि हमको यहाँ पे $5 वर्थ का यहाँ पे बाई करना होगा, $5 में हमको यहाँ पे 500 जो है टोकन यहाँ पे मिलेगा। तो यहाँ पे मैं वॉलेट कनेक्ट करके यहाँ पे मैं पेमेंट करता हूँ, और यहाँ पे भाई जो पेमेंट करना होगा ना वो यहाँ पे बे सिटीज में करना होगा, और यहाँ पे इस टाइप से आ जाएगा पेमेंट करने का, जो कि यहाँ पे $5 यहाँ पे बता रहा है, .01 यहाँ पे डॉलर का फीस लग रहा है, मेरे पास $37 यहाँ पे पड़े हुए हैं, तो यहाँ पे मैं पेमेंट कर लेता हूँ यहाँ से कन्फर्म करके। पेमेंट होने के बाद यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बोल जाएगा यहाँ पे 500 जो है आपका परचेज हो चुका है, 550 मेरा टोटल यहाँ पे हो चुका है, ठीक है भाई। और कुछ लोग का सवाल आ सकता है कि भाई यहाँ पे बेस सिटीएस हम कहाँ से डिपॉजिट करें, तो उसके लिए सिंपल है, आप लोग भाई सी वॉलेट पे कोई भी करेंसी यहाँ पे डिपॉजिट कर लीजिएगा, डिपॉजिट करने के बाद फिर इसको स्वैप मान लीजिएगा। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास USDT है, तो मैं इसको स्वैप करूँगा। स्वैप किस में करना है आप लोग को, यहाँ पे करना होगा इथेरियम में, सिंपल से ऊपर USDT करना, नीचे इथेरियम कर देना। आप कितना डॉलर करना है, $5 से ज़्यादा ही करना, मान लीजिए $6 कर देता हूँ, $6 करने के बाद फिर आप लोग इथेरियम स्वैप मार लीजिएगा। जैसे आप लोग के पास में इथेरियम आ जाता है भाई स्वैप होने के बाद, फिर आप लोग इथेरियम पे क्लिक करना, उसके बाद फिर यहाँ पे सेंड करने का ऑप्शन मिल जाता है, सेंड पे आप लोग क्लिक करिएगा, उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग स्क्रॉल करिएगा, यहाँ पे बेस नेटवर्क का यहाँ पे आ जाएगा, इस पर क्लिक करके अब जो एड्रेस रहेगा मेटामास्क का VIP20 वाला या फिर इथेरियम वाला, उसको यहाँ पे पेस्ट करिएगा। अब यहाँ पे $5 से ज़्यादा यहाँ पे सेंड कर लीजिएगा भाई, थोड़ा बहुत फीस के लिए, और बस यहाँ पे सेंड कर लीजिएगा, आपका चला जाएगा, बहुत ईजी है सेंड करना, ठीक। और उसके बाद फिर यहाँ पे प्लस का ऑप्शन मिल जाता है, अगर यहाँ से चाहें तो आप लोग अपना रेफर लिंक निकाल करके अपने दोस्तों वोस्तों को जिसको भी रेफर करना चाहते हो रेफर भी कर सकते हो। यहाँ पे इस फ्रेंड को यहाँ पे 50 जो है वार्फ मिलेगा, जो कि भाई उसको यूज कर सकता है जैसे तैसे बैटरी।
अब नेक्स्ट में हम लोग को वारकास्ट का जो अकाउंट तो बना ही लिया था, अब फारकास्ट का जो है ना उसके साथ में कनेक्ट करना है या फिर साइन करना का। तो उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे साइन का ऑप्शन मिल जाएगा, साइन पे क्लिक करना। उसके बाद फिर आप लोग को ऊपर वॉलेट कनेक्ट करना है, अब वॉलेट अपना कनेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आपका जो वारकास्ट अकाउंट होगा ना इस पर आप लोग क्लिक करना। उसके बाद फिर यहाँ पे साइन इन वारकास्ट आ जाएगा और यहाँ पे QR कोड मिल जाएगा। इस QR कोड को आपको क्या करना है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेना और यहाँ पे प्ले स्टोर से कोई भी आप जो QR स्कैनर ऐप होता है उसको आप लोग को डाउनलोड करके ओपन कर। आपने जो यहाँ पे मतलब स्क्रीनशॉट लिया ना, आप लोग को सिंपल जो फोटो होगा ऊपर यहाँ पे इस पर क्लिक करना। उसके बाद भी जो अपना फोटो होगा उसे आप लोग सिंपल यहाँ पे गैलरी अपना सेलेक्ट करके और यहाँ पे अपलोड कर लें। उसके बाद फिर आप लोग को इस टाइप का लिंक मिल जाएगा। लिंक आप लोग यहाँ पे जो ओपन वाला ना इस पर आप लोग क्लिक करेगा, आप लोग का जो लिंक होगा वो आपका वारकास्ट जो अकाउंट होगा ऐप होगा उसमें ओपन हो जाएगा। और इधर साइड में आप लोग का आ जाएगा कनेक्ट करने का, यहाँ पे सिंपल स्लाइड करके आप लोग यहाँ पे कनेक्ट कर लीजिएगा। कनेक्ट हो जाने के बाद फिर आप लोग को ना ये खुशा में हट जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको हैंडल भी यहाँ पे क्लेम करना होगा, जैसे यहाँ पे क्लेम हैंडल का जो ऑप्शन मिल जाए इस पर क्लिक करना। और उसके बाद फिर यहाँ पे ना आप लोग को 0.001 जो ETH है ना इतना डॉलर वर्थ का, मतलब इतना ETH वर्थ का आप लोग को ऑप्टिमिज्म ETH जो है आप लोग के अपने वॉलेट में डिपॉजिट करना होगा। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ पे स्विच नेटवर्क कर लेता हूँ, बताता हूँ फिर कैसे डिपॉजिट करना। अब इसके लिए सिंपल सा आप लोग जो एड्रेस रहेगा इस एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करिएगा। कॉपी करने के बाद फिर किसी एक्सचेंज से जैसे कि बाइबिट हो गया, उसके बाद फिर यहाँ पे MXC हो गया या फिर बाइनांस हो गया या फिर कोई भी एक्सचेंज होगा उस एक्सचेंज से इथेरियम डिपॉजिट करना है और आप लोग को ऑप्टिमिज्म या फिर OP नेटवर्क पर आप लोग को डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो इस टाइप से आप लोग डिपॉजिट कर लीजिएगा या फिर आप लोग को मैं बता देता हूँ यार, आप लोग को MXC के माध्यम से बताता हूँ। सिंपल से आप लोग यहाँ पे ट्रेड पाइएगा और उसके बाद यहाँ पे USDC से ETH आप लोग यहाँ पे बाई कर लीजिएगा, जैसे मतलब $4-5 वर्थ का वैसे लग रहा है, $3.5 से ज़्यादा लग रहा है बस। तो आप लोग सिंपल इस टाइप से कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे विड्रो का ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और ऊपर आप लोग को यहाँ पे ETH सर्च करना, ETH लिख दीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ पे इथेरियम पे सेलेक्ट करना, ऑन चेन विड्रो पे क्लिक करना और उसके बाद फिर नेटवर्क जो होगा ना यहाँ पे आप लोग को ऑप्टिमिज्म रखना भाई। ठीक है, देखिए ऑप्टिमिज्म यहाँ पे $0.5 फीस बता रहा है, बाकी कोई के एक्सचेंज पे बहुत कम फीस दिखाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा जहाँ पे कम फीस लगे वहाँ पे आप लोग जो अपना एड्रेस डाल करके यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट करके आप लोग यहाँ पे विड्रो कर लीजिएगा। ओके, अब जैसे यहाँ पे विड्रो करने के बाद फिर आप लोग का जैसे यहाँ पे आ जाता है ना, उसके बाद फिर आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे जो हैंडल है वो आप लोग को बाई कर लेना। तो यहाँ पे हैंडल बाई करने के लिए सिंपल आप लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे क्लेम 0.001 ETH जो है इस पर क्लिक करिएगा। आप लोग के मेटामास्क पे एक रिक्वेस्ट आ जाएगा और यहाँ पे ध्यान देना भाई, ऑप्टिमिज्म पे ही सेलेक्ट करना है, इथेरियम पे मत सेलेक्ट करना, नहीं तो फिर आप लोग का ज़्यादा फीस जाएगा। यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा, कंफर्म पे क्लिक करना और यहाँ पे दिखाएगा $3.5 यहाँ पे जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम गवा लेते हैं अपना। और यहाँ पे ट्रांजेक्शन जो है हमारा सक्सेसफुल यहाँ पे हो चुका है और हमारा यहाँ पे जो है डोमेन भी यहाँ पे क्लेम हो चुका। ओके, मैं फोन में कर रहा था ना तो कुछ इशू आ रहा था, मतलब ठीक से वर्क नहीं कर रहा था मेरे फोन में, तो अभी मैं लैपटॉप में अपलोड करके दिखा रहा हूँ, लेकिन जैसे मैंने बताया ना सेम वैसे करेंगे तो आप लोग फोन में काम करेगा, आप लोग ट्राई करिएगा उस टाइप से। ठीक है, तो मैंने वहाँ पे बाई तो कर लिया था जो डोमेन है, उसके बाद फिर अभी यहाँ पे क्लेम का लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग क्या करना है, यहाँ पे दो आप लोग को चीजें मिल जाएगा, एक स्कूल का ऑप्शन मिल जाएगा, हम लोग स्कूल पे हमको जाना होगा और यहाँ पे ना डेली आप लोग को कुछ एक्टिविटीज इसमें यहाँ पे करना होगा जो कि डेली आप लोग को लेसन दिए जाएंगे, आप लोग को लेसन कम्प्लीट करना होगा। बहुत ईजी है, जैसे मान लीजिए हम लेसन 25 की बात करें तो यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे कुछ यहाँ पे पूछेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एज कंट्रोल यहाँ पे जो भी आप लिखना चाहे मतलब सेलेक्ट करना चाहते हो वो आप लोग यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे हो जाएगा। अगर सही रहेगा तो हो जाएगा, गलत रहेगा तो फिर नहीं लेगा, तो इसको कोई दिक्कत नहीं, इसको आप लोग ऑटोमेटिक कुछ भी आप लोग सेलेक्ट कर लेना, ये हमारा डन हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे थोड़ा नीचे आएगा ना, यहाँ पे आप लोग को स्पिन नाउ का ऑप्शन मिल जाएगा, स्पिन पे आप लोग यहाँ पे क्लिक करना। उसके बाद यहाँ पे ना आप लोगों को क्वेश्चन आ जाएगा, तो यहाँ पे आप लोगों को रेंडमली कुछ भी क्वेश्चन का आंसर देना, जैसे मान लीजिए ए आता है या फिर बी आता है, जैसे ए पे मैंने बी पे मैंने सेलेक्ट कर दा। अब यहाँ पे अगर ये सही होगा तो बी ले लेगा, अगर नहीं सही होगा ना तो फिर भाई यहाँ पे ट्राई अगर बोला तो मैं क्या करूंगा दोबारा से मैं ए पे क्लिक करूंगा, ये हमारा ले लिया। ठीक है, तो इसी टाइप से आप लोग को आ करके डेली हिसाब से करना है, रेंडमली कुछ भी डालते रहेंगे ये लेता चला जाएगा। फिर उसके बाद दोबारा से स्पिन करने का आ गया, दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप लोग को सामने सब कुछ दिखा रहा हूँ, ये मतलब पॉइंट मेरे को मिल चुका। अभी यहाँ पे शायद लगता है मैं 5 लेफ्ट मेरे पास और स्पिन है, तो मैं 5 बार शायद ये कर पाऊंगा, तो मैं स्पिन नाउ पे दोबारा से मैं क्लिक करता हूँ। अभी यहाँ पे देखता हूँ ये क्या आ रहा है, भाई मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं दोबारा से स्पिन नाउ पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ स्पिन पे, तो शायद ये हो जाना चाहिए यार, क्यों नहीं हो रहा। ओके, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, बाकी 2-3 बार स्टेप से ऑटोमेटिक ये हो जा रहा है, 3 लेफ्ट दिखा रहा है, मैं स्पिन अगेन कर रहा हूँ फिर भी ये हट जा रहा है, मतलब आ जा रहा है। ठीक है, तो इसको मैं छोड़ता हूँ और ये आप लोग इस टाइप से आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट में हम लोग क्या करना है, यहाँ पे क्विस्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, क्विस्ट पे आप लोग यहाँ पे इस पे क्लिक करना। उसके बाद फिर यहाँ पे बहुत सारे क्विस्ट आप लोग को दिख जाएंगे जो कि आप लोग इस टाइप से देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारे छोटे मोटे जो है क्विस्ट मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग देखिए जो आप क्विस्ट कर पाते हैं ना वो आप लोग करना, देखिए
लिखा गया गेट 10 फॉलोअर ऑन क्वेस्ट। यहाँ पे अगर आप लोग 10 यहाँ पे फॉलोअर अपने फॉरकास्ट पे आप कर लिए हो तो फिर यहाँ पे आप लोग को ये चेक करोगे तो ये आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे 10 लाइक अपने पोस्ट पे कर दिए हो तो वो आप लोग यहाँ पे कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे चेक पे क्लिक करूंगा तो अगर मेरा 10 लाइक हुआ रहेगा तो हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो यहाँ पे इन प्रोग्रेस दिखाएगा और कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो इस टाइप से आप जितने भी यहाँ पे आप टास्क देख रहे हैं, अगर यहाँ पे जो टास्क आपको समझ में आ रहा है जितने आप कर पाते हैं वो करिए। वही मतलब कि फॉलोअर वाला सिस्टम है, ज्यादा अगर फॉलोअर हो गया है या फिर ज्यादा लाइक आ गया है, फिर ज्यादा कमेंट आ गया है या फिर ज्यादा आपने रेफर कर दिया है, तो यही सब कुछ यहाँ पे आप लोग को दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज इस टाइप से है, आप लोग यहाँ पे पूरा समझ गए होंगे। और यहाँ पे इधर अगर मैं कट करूँ तो यहाँ पे नीचे आपको रेफरल लिंक भी आपको अपना मिल जाएगा। यहाँ से अपना रेफरल लिंक अपने दोस्त या फिर किसी दूसरे अकाउंट पे शेयर करके अपने अकाउंट से दूसरा रेफर भी कर सकते हैं, ओके। ये चीज हो गया। उसके बाद यहाँ पे बात करें और भी चीजें आईटीएम आइटम जो भी है, ये सब कुछ अपने को उतना ध्यान नहीं देना। अब सब मिला जुला ये ना कि आप लोग क्या टास्क करना है, आप लोग को मैं सिंपल शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले आप लोग को वारकास्ट पे आकर के अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसके पांच डॉलर देकर के आप लोग यहाँ पे हैंडल बाई कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप लोग ट्विटर पे जैसे आप लोग करते हो फॉलो रीट्वीट वगैरह, उसके बाद ट्वीट वगैरह, ठीक है, सेम वैसे ही आप लोग करना है। यहाँ पे कास्ट कर मतलब कि आप लोगों को यहाँ पे फॉलोअर जुटा लेना है कम से कम 100-200, आप लोग जितना ज्यादा हो सके उतना। बाकी मैं अपना जो प्रोफाइल है वो आप लोग को टेलीग्राम दे दूंगा, तो वहां से आप लोग क्या करना, सबसे पहले मुझे फॉलो करना और मुझे जो लोग फॉलो किए हैं सभी लोग बारी बारी से एक दूसरे को फॉलो बैक कर लेना, जिससे क्या होगा सभी लोग का भाई फॉलोअर अच्छे से बढ़ जाएगा। और प्लस मैं कोई पोस्ट करता हूँ तो वहां पे आप लोग लाइक करिएगा, रिट्वीट करिएगा, इससे क्या होगा कि आप लोग का भी जो एक्टिविटीज है वो बढ़ेगा और मेरा भी बढ़ेगा, ठीक है, दोनों लोग का सभी लोग का फायदा होगा। तो एक दूसरे लोग यहाँ पे फॉलो रिट्वीट करते रहेंगे। और यहाँ पे कास्ट रूट जो करना है, यहाँ पे थोड़ा सा कास्ट करना मतलब बोला गया है, मतलब शब्द वही अलग अलग है, बस यहाँ पे काम वही है, ठीक है। तो ये आप लोग करना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोग को फॉरकास्ट से कनेक्ट कर लेना है और स्कूल जो है और यहाँ पे क्विस्ट है, ये दोनों को आप लोग को देख लेना है। जो यहाँ पे कनेक्ट मतलब कंप्लीट करने योग्य है वो आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट कर लेना, ठीक है। और ये सब कुछ के बाद आप लोग करते रहना है। बाकी कोई अपडेट या फिर जानकारी आएगी वो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे इवेंट आते रहते हैं। तो जो लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किए रहेंगे और वहाँ पे एक्टिव रहेंगे वही लोग टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। तो ये सभी चीज आप लोग करके बस रखिएगा, कोई अपडेट या फिर जानकारी आएगी फिर कोई एड्रॉप आएगा वो आप लोग को साथ में शेयर करूंगा और उसे आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर लेना, ठीक।